जब भी कोई खाना हो, कोई चाट हो और उस खाने का स्वाद बढ़ाना हो तो हम अक्सर कर यूज़ करते हैं चाट मसाला, और जब हम मार्केट से लाते हैं तो ये काफ़ी महंगा मिलता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें कई चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं जो हमारे गले के लिए हानिकारक होती हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बिल्कुल होममेड चाट मसाला, जिसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो उससे पहले स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिजी मोम लर्निंग सेंटर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और 4 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है धनिया, साबुत धनिया है, और 1 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है जीरा। जीरा 1 चम्मच ही ऐड कीजिएगा। और 6 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ऐड की है, जिसको फेनल सीड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को मीडियम आंच पर रोस्ट करेंगे, हल्का सा ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। अक्सर कर हम जब चाट मसाला लाते हैं तो मार्केट से वो काफ़ी महंगा मिलता है, और ख़ास बात यह है कि उसको काफ़ी दिनों तक चलाने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं, साइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, जिससे हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच काली मिर्च ऐड की है। काली मिर्च से इसका और भी बढ़िया टेस्ट आता है। काली मिर्च हमारे गले में भी फायदे करती है, और आपने देखा होगा सौंफ भी हमारे पेट के लिए कितनी हेल्दी होती है। तो यहाँ पर हम हल्की आंच पर इन सारी चीज़ों को रोस्ट करेंगे, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, क्योंकि इसको हल्का रोस्ट करने से क्या होता है, इसमें मसालों की खुशबू और भी बढ़िया हो जाती है, और हम इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से भुन गया है, हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब इसको ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा ग्राइंडर जार लिया है, इसमें हम इस सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो ये चाट मसाला आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है सौंठ, जिसको सूखा अदरक बोलते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है सर्दी जुकाम के लिए, तो आपके पास है तो इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाता है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, तो तीखा अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकती है। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कटोरी आमचूर पाउडर, जिसे खटाई का पाउडर भी बोलते हैं, इसको इसमें ऐड कर देंगे। चाट मसाले में खटाई का बहुत ही महत्व होता है। मैंने थोड़ी सी ही इसमें हींग ऐड की है, हींग से और भी बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। और मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 चम्मच ये सूखे आंवले। सूखे आंवले भी बहुत हेल्दी होते हैं हमारी स्किन के लिए, आंखों की प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पर हो तो आपके पास ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, इससे और भी बढ़िया स्वाद आता है इसमें। मैंने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच काला नमक। काला नमक भी इसमें ऐड कर देते हैं, काले नमक से हर सब्जी का स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है। मैंने यहाँ पर ये ड्राई पुदीने की पत्ती ली है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चाट मसाले में पुदीने की पत्ती से और भी बढ़िया फ्लेवर आता है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद नमक लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। नमक का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नमक ज़्यादा ना हो जाए, अपने स्वाद अनुसार इसको डाल लीजिएगा। अब हम सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको एक बार जरूर छानेंगे। छानने से क्या होगा, इसके ऊपर जो भी रखनी पार्ट होगा वो हम अलग से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इतना बढ़िया फाइन पाउडर होने के बाद भी हम इसको छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छलनी ले ली है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें छान लेंगे। तो ये घर पे बहुत आसानी से बन भी जाता है, आप कभी भी सफ़र में कहीं भी जाइए तो इसको साथ रख के ले जा सकते हैं। जब भी आपको कुछ खाने का मन करे तो उसके ऊपर आप इस किसी भी सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए इसमें रफली पार्ट हो गया है, मैं इसको अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसको मैं दोबारा ग्राइंडर जार में डालकर पीस लूँगी, बाकी का भी इसी तरह छान लेते हैं। तो ये चाट मसाला बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए कितना फाइन पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो आप इसको महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। और थोड़ी क्वांटिटी में कितना सारा बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसी किसी भी कंटेनर में भर सकते हैं, वो बेहतर हो तो आप इसको कांच के कंटेनर में ही भरकर रखिएगा, और कंटेनर बिल्कुल सूखा होना चाहिए, जिससे कि ये हमारे महीनों तक चल भी सकेगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो बिजी मोम लर्निंग सेंटर को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारे भारतीय व्यंजनों में जब भी कोई मसाले की बात आती है तो खास बात आती है चाट मसाले की, क्योंकि चाट मसाला बहुत ही फेमस है, और इसकी खास बात यह है कि हर चीज़ का स्वाद ये दोगुना बढ़ा देता है। तो आपको जब भी कभी सफ़र में जाना हो तो इस तरह छोटी डिब्बी में आप इसको रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं, और कितना आसान है इसको बनाना, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। सारा सामान हमारे घर में अवेलेबल होता है।